So last time we discussed about the water table, the groundwater aquifer. Okay. So water table is the upper limit of the groundwater. So groundwater की जो upper limit होती है उसको हम क्या कहते हैं? Water table कहते हैं. And we usually draw water from this groundwater. तो जो भी आपका underground water है उसमें से हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर में से पानी है, वी ऑब्टेन दैट वाटर आइदर यूजिंग द वेल्स, ठीक है, या हम उसमें से पावर जनरेटेड जो है वो ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं, हैंड पंप्स हैं, मैन्युअली भी ऑपरेटेड हैंड पंप्स हैं हमारे पास. तो दीज ऑल आर द सोर्सेज बाय विच वी कैन ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर इन ऑर्डर टू यूज दैट वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, एग्रीकल्चर पर्पसेस, फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. तो इन सारी चीजों के लिए हम जो ग्राउंड वाटर है उसमें से पानी जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं. ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस वाटर टेबल इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द ग्राउंड वाटर, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द सीपेज ऑफ द वाटर, क्योंकि अर्थ के नीचे है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे है ये पानी. तो ये पानी जो है वो कैसे अपने आप को रिफिल करेगा, विद द रेनफॉल. तो जैसे रेन आएगी जो एक्सेस वाटर है वो आपका सीप कर जाएगा, वो आपका सॉइल के थ्रू जो है जब वो नीचे जाएगा, इट इज गोइंग टू फिल योर ग्राउंड वाटर. ओके, दैट इज गोइंग टू फिल योर ग्राउंड वाटर. और जैसे जैसे आपका ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, राइज करना शुरू होगा, तो उसके कंपैरेटिव जो आपका वाटर टेबल है वो भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाटर टेबल क्या है, अपर लिमिट है, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर. तो अगर आपके ग्लास में इतना पानी है तो सी इफ योर ग्लास इज हैविंग दिस मच वाटर, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ दिस वाटर. तो आप कह सकते हो कि अभी मेरा ग्लास जो है वो हाफ से कम है, यहाँ पर हाफ है, ठीक है, यहाँ पर हाफ से ज्यादा है. So this limit is actually decided, the water limit is actually decided by the filling of the ग्राउंड वाटर. ओके, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर वाटर टेबल बढ़ गया, यहाँ पर भी वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. नाउ दिस सीपेज ऑफ द ग्राउंड वाटर, द सीपेज ऑफ द वाटर इन टू द ग्राउंड, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रेन. तो जैसे रेन होती है, रेनफॉल होती है, वैसे ही जो पानी है वो सीप करता जाता है और नीचे जो है वो फिल करता रहता है. ओके, the level of this water table, the level of this groundwater, it actually decreases during the summers. क्योंकि summer में जो पानी है वो ज्यादा evaporate होता है, पानी की ज्यादा कमी हो जाती है summers में. तो ये जो water table का level है, यानी जो ग्राउंड वाटर है, ये summers में कम हो जाता है. Okay? So the water table, it actually decreases in the summer season. Right? एंड विंटर्स में रिफिल हो जाता है, विंटर्स में दोबारा भर जाता है. बट इफ वी कीप ऑन यूजिंग दिस वाटर, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में इस ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, तो इस ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज भी हो सकती है, देयर विल बी द डिप्लीशन ऑफ दिस ग्राउंड वाटर. ओके, द ग्रेजुअल एंड द कॉन्टिन्यूस लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, इट विल बी नोन एज द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. तो डिप्लीट हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, कि क्यों जो आपका वाटर टेबल है वो कम होता जा रहा है, व्हाई दिस लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. हाँ जी बेटा, what reasons can you think of, क्या क्या reasons हो सकते हैं कि जो आपका water table है वो deplete कर रहा है. So that is the continuous lowering of groundwater. तो जो आपका नीचे underground water है वो continuously क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो दिस कॉन्टिन्यूस लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर वी कॉल्ड दिस एज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. यस कार्तिक. मैम ड्यू टू लो रेनफॉल. ड्यू टू लो रेनफॉल, वेरी गुड. सो द फर्स्ट रीजन इज लेस रेनफॉल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
कि जो सीपेज है दैट डिपेंड्स ऑन द रेन. तो जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना जो आपकी सॉइल है वो सीप करेगी उस पानी को, और वह पानी जो है वो नीचे परकुलेट होगा. ओके और वही पानी जो है वो आपका क्या करेगा. सो लेस रेनफॉल जिसको आप स्कैंटी रेनफॉल कहते हो, ठीक है, यानी कि जब रेन जो है वो कम होती है. ओके या आप ये कह सकते हो कि ड्राउट कंडीशंस मेनली जो प्रिवेल करती हैं, जब रेन कम हो जाती है तो जो वेल्स हैं, ठीक है, वो सारे सूख जाते हैं. इन दैट केस द ड्राउट कंडीशंस दे आर मोर, एंड दे आर मोर इन द साइड ऑफ राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है. तो इस साइड जो है ये दीज आर द एरियाज दैट एक्चुअली रिसीव लेस रेनफॉल. ओके सो व्हेन एवर देयर इज लेस रेनफॉल द सीपेजिंग The seeping of this water into the underground it decreases, due to which the level of the groundwater it decreases also. Okay, so yes, I can see Shubh has written the agricultural activities. Agricultural activities, industries. The rise of industries or the large number of the industries, but for all of these the main reason is population. For all of these the main reason is population. Population increase हुई, ठीक है, जितनी ज्यादा population होगी उतने ही ज्यादा जो है वो land that will be converted into houses, ठीक है. तो जो फ्री लैंड्स हैं आपके, द ग्रीनरी दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेसेस, ठीक है, लैंड्स में जो आपके लैंड्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाउसेस, शॉप्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ठीक है. तो विद द राइज इन द पॉपुलेशन दिस इज एक्चुअली द मेन फिनोमिना, कि जो आपका लैंड है वो किसमें चेंज हो रहा है, जो क्लियर लैंड है दैट इज एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोर ऑफ द हाउसेस, ठीक है, बिल्डिंग्स है, ऑफिस है, स्कूल्स हैं, ये सारे बन रहे हैं. कंस्ट्रक्शन इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, ठीक है, नई नई रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही हैं, ठीक है, रोड्स को वाइड करना पड़ रहा है. ऑल इज बिकॉज ऑफ द ओवरग्रोइंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है. अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की डिमांड्स को भी मीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए. तो जो लैंड है हमारा, ग्रीनरी है, उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड. ओके एंड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड मोर ऑफ द आइटम्स आल्सो, ठीक है, फूड आइटम्स हैं या डेली लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चाहिए. सो दिस गिव राइज टू द इमर्जिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर फिर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है. एंड इन ऑल दीज थिंग्स यू नो वाटर इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, ठीक है. तो हर चीज में पानी की रिक्वायरमेंट है, हर चीज में पानी चाहिए हमें. सो ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, एंड दिस वाटर इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द अंडरग्राउंड. ओके मोर ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक आई टोल्ड यू विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है. पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, मोर ऑफ द एरिया इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो लिविंग एरिया जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है हाउसिंग के लिए, ठीक है. और रोड्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइड कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है. रोड्स दे आर यूज्ड टू बी मेकिंग वाइड एंड वाइड. ओके सो ऑल दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर, राइट. तो कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी तो चाहिए ही होगा. ओके नेक्स्ट आई कैन सी यू पीपल आर राइटिंग द डीफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, वेरी गुड. For the deforestation activities, you know, with the deforestation, with the cutting down of the trees, it leads to a new problem called soil erosion. So, जब आप trees काटते हो, ठीक है, तो उसके साथ जो आपकी soil है, that gets loose. Soil loose होने से क्या होता है कि जो आपकी topmost layer है, the topmost layer of the soil, it gets vanished away, it gets blown away with the wind water. ओके तो जो पानी है, ठीक है, रेन आई, रेनफॉल है, पानी है, इन सब से या फास्ट मूविंग विंड्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये उस सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, ओके, उसको इरोड कर रहे हैं, उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं. ओके एंड इन दिस प्रोसेस यू कैन सी
द सीपेज प्रोसेस इट ऑल्सो डिक्रीजेस, जो पानी का सीप करने का प्रोसेस है ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल जो है वो आपकी लूज हो गई है, वो बाइंड नहीं कर रही है, लूज सॉइल इज देयर, सो द सीपेज प्रोसेस इट एक्चुअली डिक्रीजेस, राइट। एंड हेयर इज वन एग्जाम्पल दैट चीरापुंजी इन द मेघालय रीजन, ओके, कहते हैं कि चीरापुंजी में मैक्सिमम रेन होती है, चीरापुंजी इन द मेघालय रीजन इट एक्चुअली रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में यहाँ पर मेघालय में मैक्सिमम रेन होती है, बट स्टिल दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, स्टिल दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, व्हाट कैन बी द रीजन, क्योंकि यहाँ पर देयर इज डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज दैट कीप ऑन गोइंग इन द माउंटेन स्लोप्स, ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज हैं दे कीप ऑन गोइंग, सो ड्यू टू विच देयर इज इरोजन, सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल बाइंड नहीं कर पा रही है, तो सीपेज जो है वो कम हो रही है, अगर सीपेज कम हो रही है तो जो आपका ग्राउंड वाटर है इट इज नॉट इन द पोजिशन टू बी रीफिल्ड, ओके, तो यहाँ पर अगेन ग्राउंड वाटर की फिलिंग नहीं हो रही है, राइट। एंड व्हाट कैन बी द अदर रीजंस, व्हाट कैन बी द अदर रीजंस बेटा, ओके, यस जैस्मिन, जी जैस्मिन बोलिए मैम, नथिंग, वो पहले आपको पॉइंट बताना था डिफॉरेस्टेशन का, ओके, यस कार्तिक, यस मैम, मैम आई थिंक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैन बी वन कॉज, वी हैव ऑलरेडी रिटन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ओके, यस गौरीश, मैम इन माय ओपिनियन ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल, ओके, yes, the overgrazing factor it can also be here, but these both points they are similar, ठीक है, जैसे deforestation की activity से soil erosion हो रही है, वैसे ही overgrazing से क्या होगा, ठीक है, soil erosion की activities होंगी, तो आप इस दोनों points को एक point में ही अगर आपने include करना है, you can include this, other activities can be, हाँ जी, in this can be right extra consuming of water, wastage तो हो ही रही है, extra consumption तो हो ही रही है, वो हम देख रहे हैं कि किस किस form में हो रही है, ठीक है, जैसे agricultural activities में, industries में, तो यहाँ पर हम सब में यही कह रहे हैं कि जो पानी है हम वो ज्यादा quantities में use कर रहे हैं, इसीलिए जो ground water है वो कम हो रहा है, okay, but किस किस form में कर रहे हैं, तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, right? So next you can write, the next point you can write, decrease in effective area of seepage. Decrease in the effective area of seepage. तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, हम उसी की ही बात करेंगे कि जो आपके ओपन एरियाज हैं, द ओपन एरियाज वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू द कंस्ट्रक्टेड एरियाज, जहां पर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी हुई है, हमारे पास ओपन एरियाज नहीं है अब, ठीक है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो हमने जितना भी ओपन एरिया है उसको अब यूज कर लिया हुआ है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ओके, सो इन दिस वे जो सीपेज का एरिया है, ठीक है, जहां पर हमें सॉइल चाहिए, द सॉइल दैट इज गोइंग टू सीप आवर रेनफॉल, ओके, द रेन वाटर, तो वो क्या कर दिया है, हमने कम कर दिया है, कंक्रीटेड फ्लोर्स जो है वो ज्यादा हो गए हैं, यू कैन ऑल्सो से दिस, सीमेंटेड और कंक्रीटेड फ्लोर हो गए हैं जिनके थ्रू पानी जो है वो सीप नहीं कर पाता, आर यू गेटिंग, सीमेंटेड और कंक्रीटेड फ्लोर दे आर देयर नाउ, ओपन एरियाज नहीं है जहां पर सॉइल होगी, सॉइल के थ्रू पानी सीप करेगा, बट अभी हमने, अब हम क्योंकि जितना भी एरिया है उसको यूज कर रहे हैं, एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड द हाउसेस, बिल्डिंग्स,
and they have converted the floor into the cemented or concrete floor. Okay, cemented or concrete floor में हम उसने change कर दिया होगा. So due to this reason, okay, तो जो आपका water seepage की tendency है वो कम हो गई है. Jasmine, Chirapunji is the region, it is present in the Meghalaya, which actually receives most of the rainfall, but still here there is scanty of water. The reason is due to the soil erosion. Hanji, clear beta yahan tak? Is this clear till now? So how we are going to deal with this situation of depletion of water table? So I have already told you that we celebrated World Water Day. When we celebrate World Water Day? Yes, when we celebrate World Water Day. Bataya hua maine aapko. That is very good, 22nd March. Okay, so 22nd March we observe this as the World Water Day, in order to make people aware about the importance of the conservation of the water. Theek hai? About the importance of water and its conservation. So in this context, we observe this day as the World Water Day. And how much water is recommended by WHO? United Nations ne kitna paani jo hai wo per person kaha hua hai, that is available. So that is, yes, 50 liters, okay, 50 liters per person for per day. And if you are using it more, then that means you are actually doing the wastage of that water. And if similarly this wastage of water will continue, we have to suffer from the water crisis. Okay, we are suffering from the water crisis till date now, where the some people, okay, many people in the many regions, in the many areas, they are actually not getting the sufficient amount of water in order to meet their daily requirements. ठीक है, तो हम तो बहुत आराम से बैठे हुए हैं, we are meeting our daily requirements very very easily, but can you imagine the situation where the person, they have to fill the water? Okay, तो in this context of water crisis, what we can do to conserve the water, what we can do to save the water? Yes, क्या क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं बेटा वाटर को कंजर्व करने के लिए? यस, द एक्टिविटीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. सो द फर्स्ट वन वी कैन इंक्लूड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द फर्स्ट वन वी कैन इंक्लूड इज rain water harvesting. So these are actually the big initiatives that we can take. Okay, तो उसके बाद जो efforts आपके हैं वो भी मैं पूछूंगी. ठीक है, what can be the different efforts on your part also in order to save the water? तो आप क्या क्या कर सकते हो इंडिविजुअली पानी को कंजर्व करने के लिए? यस, क्लोजिंग ऑफ द टैप्स, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, आप लेटर ऑन व्हेन आई विल बी आस्किंग यू योर रोल, कि आपका कहाँ रोल है वाटर कंजर्वेशन के लिए. ओके, सो फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? दिस यू हैव डन इन योर सिक्स स्टैंडर्ड ऑल्सो. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हाँ जी, यस अक्षम. यस मैम. मैम, इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी बिल्ट अंडरवाटर अंडरग्राउंड टैंक्स इन विच रेन वाटर इज हार्वेस्टेड एंड दैट वाटर इज यूज्ड फॉर आवर डेली यूज. ओके, सो बेसिकली वी आर सेइंग दैट हियर इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर. It is the process of collecting of rainwater. तो आप रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द रूफ टॉप. ठीक है, आपके घर के जो रूफ है वहां से, रोड साइड्स से. ओके, फ्रॉम द रोड साइड्स. और फिर आप इसको किसके लिए यूज कर रहे हो?
and you are storing it for future use, आगे use करने के लिए. Okay, so this water, naturally we can't drink this water, but there are many other household activities where we can use this water for planting, for giving the water to the plants. ठीक है, आप wash कर सकते हो अपने automobiles इस पानी के साथ, floor clean कर सकते हो. ठीक है, तो जिसमें आप excess of water जो है वो बहुत ज्यादा waste करते हो, so these activities they can be done with this rain water. Okay, so rainwater harvesting for the rooftop one we have discussed. ठीक है, we are going to discuss here. तो मैं उसका diagram बना देती हूँ. तो rainwater harvesting का diagram हमने करना है for the rooftop one. अब इसके क्या क्या advantages होंगे पहले वो बताओ. हाँ जी, इस प्रैक्टिस के जो आप रेन वाटर को कंजर्व कर रहे हो, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? यस कार्तिक. यस मैम. मैम, वी कैन यूज दिस स्टोर्ड वाटर एज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, फॉर वॉशिंग कार्स. ओके, यू कैन यूज इट फॉर दीज एक्टिविटीज. यू कैन ऑल्सो यूज इट टू फिल द ग्राउंड वाटर, क्योंकि आप इसको अंडरग्राउंड टैंक्स में भी स्टोर कर सकते हो. ठीक है, यस, सो वी कैन यूज दिस टू राइज द अंडरग्राउंड वाटर. और हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. So if you are actually conserving, if you are actually collecting this water, it can also help you to deal with the situations of floods. Floods, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो accumulate हो जाता है, ठीक है? तो जब आप उसको एक separate जगह में collect कर रहे हो, तो floods जैसी या soil erosion वाली जो conditions है, they can be prevented. So with this practice, you can actually prevent the flood and the soil erosion activities. Or रेन वाटर जो है. हाँ जी, यस आव्या. इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वो तो आप प्लांट्स को दे दोगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे ना. यस जैस्मीन. यस जैस्मीन. मैम, टैप्स को बंद करके रखना. बेटा, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यूजेस कर रहे हैं. ठीक है, टेल द एडवांटेजेस ऑफ दिस रेन वाटर दैट यू विल बी स्टोरिंग. यस, इट कैन बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन एक्टिविटीज. इट इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर. ठीक है, तो आपके पास जो क्लीन वाटर है वो और ज्यादा अवेलेबल हो जाता है. इट इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर. ओके, सो दिस इज हाउ द रेन वाटर विल बी, व्हेन यू आर स्टोरिंग दिस रेन वाटर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. It is going to rise the level of the underground water. You can use this water. Since this is clean water, you can use it for any household activities. You are going to prevent the flood and the soil erosion, right? Using the rainwater harvesting methods. Okay, so let's draw the diagram for the rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting ka diagram hai. So I hope you have done this diagram in your 6th standard also. Kiya hua hai aapne? You have done this diagram? चलिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो हियर आई विल बी मेकिंग अ हाउस एंड दिस इज द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस. ठीक है, क्योंकि हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो विल बी टॉकिंग द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस. Right? This is the roof. This is the concrete roof.
सो द रेन वॉटर इट गेट्स कलेक्टेड ऑन दिस कंक्रीट रूफ, यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएगा. ओके, द रेन वॉटर इट विल बी कलेक्टेड ऑन दिस कंक्रीट रूफ. सो हेयर यू विल बी गेटिंग द वॉटर दैट इज एक्चुअली कलेक्टेड हेयर. तो यहाँ से ये जो पानी है उसको हमने आगे जो है वो स्टोरेज टैंक्स में लेके जाना है. ओके, सो हेयर आई एम हैविंग अ स्टोरेज टैंक. राइट, so let's fill the storage tank with this water. Where the storage tank it is further connected to a system of filtration where we are going to filter this water also. तो जो भी पानी आपका यहाँ से collect हुआ है, we are attaching it to a system of filtration here where this water it will be filtrated using the sand, gravel and coarse sand, gravel and broken bricks. Okay, to yahan par aapki coarse sand hai, yahan par chote chote gravels hain. And in the last you will be having the broken bricks pieces. This is coarse sand. This is gravel. And this is broken bricks. Okay. This is the concrete roof of a house. तो concrete roof से जो पानी है वो आपका आगे जा रहा है. This is rain water pipe. Here the water it is going. Okay. So this is the underground storage tank. This is the population pit. Percolation pit. पानी जो है वो आपका percolate कर जाएगा. ठीक है, फॉर द फाइनल वन हेयर द वॉटर विल बी मूविंग टू द फाइनल चैम्बर वेयर इट विल बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल पिट वेयर योर वॉटर विल बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड. So this is the outlet pit, no, outlet pipe. Okay, so this is all about your diagram.